पूरे भारतवर्ष सहित हिमाचल के स्कूलों में भी अब पहली कक्षा से ईट राइट स्कूल कार्यक्रम शुरू हो गया है। स्कूल पहुंचते ही छात्रों को जहां स्वच्छता मानकों के बारे में जानकारी दी जाएगी, वहीं फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अनुरूप अब स्कूलों में मिड डे मील वर्कर खाना बनाएंगी तो स्कूल के छात्रों को पौष्टिक आहार के प्रति भी जागरूक किया जाएगा। मंगलवार को इस कार्यक्रम की शुरुआत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल हमीरपुर में जागरूकता कार्यशाला के साथ की गई। कार्यशाला में विभिन्न स्कूलों से आए प्रबंधकों और मिड डे मील वर्कर्स को खाद्य सामग्री प्रयोग संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध करवाई गई। इन्हें बताया गया कि गुणवत्ता युक्त खाद्य सामग्री का ही इस्तेमाल दैनिक जीवन में करें, साथ ही ये सुनिश्चित किया जाएगा कि स्कूल में दोपहर का खाना बनाने वाले वर्कर्स का लाइसेंस भी होना चाहिए। आपको बता दें कि खाद्य सुरक्षा विभाग खाद्य सुरक्षा पर अधिक फोकस कर रहा है। पहले दुकानदारों को भी इस बारे में जागरूक किया गया था और कई कार्यशालाएं जिला भर में आयोजित की गई थी। बुनियादी तौर पर बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए पौष्टिक आहार पर बल दिया जा रहा है। कार्यशाला में उपस्थित स्कूल प्रबंधकों तथा मिड डे मील वर्कर्स को बताया गया कि खाना किस तरह से पौष्टिक बनाया जा सकता है। खाद्य सुरक्षा विभाग में सहायक आयुक्त अनिल शर्मा ने बताया कि हिमाचल में स्कूलों में अब पहली कक्षा से ईट राइट स्कूल कार्यक्रम चलाया जा रहा है। स्कूल पहुंचते ही छात्र स्वच्छता मानकों को अपनाएंगे, साथ ही फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अनुरूप ही स्कूलों में मिड डे मील का खाना बनाया जाएगा तो स्कूलों में छात्रों को अब पौष्टिक आहार के प्रति भी विशेष रूप से जागरूक किया जाएगा। आज हमने डिफरेंट स्कूल्स के एमडीएम वर्कर्स और टीचर्स का के लिए एक ट्रेनिंग यहाँ पे आयोजित की हुई है, जी जो एक पौष्टिक ट्रेनिंग होगी उसमें, तो इसके माध्यम से इनको ट्रेन करवाया जाएगा कि फूड सेफ्टी के रिगार्डिंग क्या क्या नॉर्म्स हैं और उन्हें कैसे फॉलो करना है। साथ ही हमारे एक FSSAI ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है ईट राइट स्कूल करके, तो ईट राइट स्कूल में भी उनकी हम रजिस्ट्रेशन आज करवा रहे हैं। तो जो हम फूड सेफ्टी का जो पर्पज़ है इसमें कि स्कूलों में बेसिक लेवल से फूड सेफ्टी के बारे में किस तरह से लोगों को बच्चों को एजुकेट करवाया जाए, तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये प्रोग्राम हमने लॉन्च किया हुआ है फूड सेफ्टी का। तो इसी पे आज फर्स्ट ट्रेनिंग आज हम एक हमने स्टार्ट की हुई है, तो हम इसमें जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका थैंक्स करते हैं कि उन्होंने बड़े कम टाइम में अच्छा अरेंज करवाया यहाँ पे। तो बस इसी के रिगार्डिंग हमारा फर्स्ट इनिशिएटिव हम आज स्टार्ट करते हैं।